भानु जी, अगर मैं टॉप 3 चीजें बताने बोलू जो आपको इस्लाम में अभी जब से आप सुन रही है और एकदम सबसे ज्यादा मतलब ये सुन के आपको लगा कि यार बस अब मैं नहीं सह सकती, मतलब ये गंदगी मुझे नहीं पसंद है, वो टॉप 3 चीजें क्या रहेंगी ताकि जो आपके जैसी विचार वाली जो और भी लड़कियां हैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। अच्छा बानो जी आई हैं, बानो जी हेलो, बानो जी थोड़ा जोर से, हेलो, हाँ अभी सही आवाज आ रही है जी। बानो जी मोमिना है बानो जी? 25 साल हो गए, 25 साल नहीं 27 साल, 27 साल हो गए किस बात को? एक्स मोमिना बन के, एक्स मोमिना बन के 27 साल हो गए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, आपको पुरानी चावल है एकदम। मैं ऐसे नहीं, पहले बीच में मोमिना हो जाती हूँ, एक्स मोमिना जो मैंने मतलब एक नॉन मोमिन से शादी की हूँ। ओके तो अपना मोमिना भी रोल अदा करती थी और फिर उन लोग के साथ उनके जैसे भी रहती थी, बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन 2021 से आप लोगों का वीडियो देख के मुझे एकदम मतलब क्लियर हो गया कि क्या सच है। मैं बहुत पहले कुछ नहीं जानती थी हकीकत क्या है, जानने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, समझ में आता था, मैं सर्च भी करती रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आप लोग के वीडियो में आपको वीडियो मैंने बहुत पहले से देखा है, जब आपको प्रॉब्लम हुआ था मुझे, जब इसे मैं आपका वीडियो देखती हूँ और अभी भी रोज आना देखती हूँ, ट्यूसडे फ्राइडे आदम सर का भी देखती हूँ। वाह, तो ये 21 से पहले जब वीडियो देखा आपने तब एकदम आप पूरी तरीके से निकल गई? नहीं, पहले नमाज वमाज इतना नहीं था, ईद की नमाज पढ़ ली है, मैं ज्यादा नहीं फॉलो करती थी, मुझे कुछ कुछ बातें नहीं पसंद थी इस्लाम की। तो कोई सूरह इरा याद है आपको? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक की उम्मीदी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अन'अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। माशाअल्लाह, दरूद शरीफ याद है आपको बानो जी? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत कम फॉलो करती थी, नमाज भी बहुत कम पढ़ती थी। अरबी सीखा था आपने पढ़ने के लिए? हाँ, हाँ, अरबी पढ़ना सीखा था। अरबी आपके सामने लाऊंगा तो पढ़ पाएंगी आप? नहीं, अभी मेरे को चश्मा नहीं है, मैं ऐसी बैठी हूँ तो मुझे धुंधला धुंधला नजर आएगा। मैंने पहले भी बीच में एक बार ज्वाइन करने की कोशिश की थी लेकिन फिर घर में मन इंसान आ गए तो फिर मैंने नहीं चालू की, मैंने नहीं हो गई। अलहमद के अलावा उर्दू का कोई भी वर्ड कोई भी एक हर्फ पढ़ सकती है क्या? क्या बोलू, चश्मा नहीं है ना उनके पास, चश्मा होता तो कोई नहीं थोड़ा जूम करो और जूम कर दो ये। जिक्र किया गया, आपने लोगों को इकट्ठा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, जिसने ये क्या किया है। बस बस बानो जी, हो गया। थैंक यू सो मच बानो जी, हम थोड़ा सा स्ट्रिक हो गए थे आपके लिए, हालांकि मैं नहीं होने वाला था, साजिद थोड़ा स्ट्रिक हो गया था, कोई मुश्किल नहीं। तो साजिद सर को मैं सुनती रहती हूँ, थोड़ा सा सही हो जाओ, हम लोग भी सुनते रहते हैं। आदम मैं सच में आप दोनों को, साहिल मेरे एक बेटे का नाम भी है,
क्योंकि कॉमन नाम रखा गया है, इसलिए आदम सर थैंक यू बहुत इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सी चीजें ऐसी जो मुझे पता नहीं थी, आप लोगों के थ्रू से मुझे बहुत 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 नॉलेज मिला है। थैंक यू, थैंक यू बानो जी। अगर मैं टॉप तीन चीजें बताने बोलूं जो आपको इस्लाम में अभी जब से आप सुन रही है और एकदम सबसे ज्यादा, मतलब ये सुन के आपको लगा कि यार बस अब मैं नहीं सह सकती, मतलब ये गंदगी मुझे नहीं पसंद है, वो टॉप तीन चीजें क्या रहेंगी ताकि जो आपके जैसी विचार वाली जो और भी लड़कियां हैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। मुझे तो इस्लाम में ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है, तो पहली बात तो अगर टॉप थ्री बोलना चाहते हो तो एक 6 साल की बच्ची से शादी करना ये सबसे बड़ी बड़ गलत बात है। दूसरी ये स्लेवरी का जो मैटर है ये एकदम गलत है, और इस और तीसरा बोलेंगे तो थोपना, जो इस्लाम मुस्लिम जो हर चीज पे थोपते हैं ये होना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मेरे लाइफ में, मैंने बहुत फेस किया है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सा प्रॉब्लम, बहुत बार रोई भी हूँ क्यों ऐसा ये हिंदू मुस्लिम एक क्यों नहीं है, उन लोग में ऐसा नहीं है, इन लोग में क्यों ऐसा है, ये करना ही जरूरी क्यों है, ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है। लेकिन फिर भी मैं सोचती थी हाँ ये सच्चा है, ये है वो है, मैंने बहुत हदीस भी ढूंढने की कोशिश की, मैं YouTube पे सर्च करती रहती थी कि किधर मुझे कुछ मिलेगा। मैंने द मोहम्मद पिक्चर वगैरह जो आते हैं YouTube में वो देखती थी क्या मिलेगा, कभी कभी तर्जुमा भी मैं ट्रांसलेट सुनती थी, लेकिन कभी कभी गलत लगता था लेकिन फिर समझ में बराबर नहीं आता था, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर जैसे कि 2021 में मेरे को फिर से एक बार प्रॉब्लम हुआ था मेरे ये इस्लाम के थ्रू से, तब मैं वही सर्च करती थी तब मुझे आप लोगों का चैनल मिला, और मैं सच में इतनी खुश हुई थी उस दिन से आज तक का बहुत हद से ज्यादा खुश हूँ 2021 से लेकर। वाह भाई वाह वाह जबरदस्त यार, बानो जी के लिए एक एक गुलाब भेज दे हमसे सीनियर है, और दूसरा मेरे को लैला जी की याद आ गई, एक्स मुस्लिम लैला जी की, उनकी भी स्टाइल थोड़ी बहुत ऐसी है। बानो जी अभी आप मतलब पूरी तरीके से मतलब खुश है और संतुष्ट है, मतलब अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि हो सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी फीलिंग बचपन में थी या बड़े होने के बाद थी वो राइट थी, क्योंकि मुझे पहली बात तो एक कुर्बानी का त्योहार बकरीद जरा भी पसंद नहीं था, ना बचपन में पसंद था ना बड़े होने का, क्यों किसी जानवर को मारना है ये मेरे सवाल हमेशा दिमाग में रहता था, आज भी वो रहता है। हमारे घर में कुर्बानी होती है, हमारे बहनों के घर में आते हैं कुर्बानी होती है, लेकिन मुझे मजबूरी से कुछ चीज के ऊपर कैरी करना पड़ता है। जी बहुत जबरदस्त बानो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी बातें जो है वो कई लोगों के लिए यू नो यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी वुमेन। अगर वो भी अगर सोचेंगे जो मेन तीन पॉइंट आपने बताया, एकदम वैलिड एकदम जबरदस्त पॉइंट बताया, मैटर जो आपने बताया तीन मैटर, सबसे पहला मैटर जो है वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, दूसरा मैटर स्लेवरी वाला, तीसरा मैटर थोपना इस्लाम लोगों पे, एकदम टॉप क्लास मैटर आपने बताया। अच्छा, किसी को भी इस्लाम से निकालने के लिए ये तीन चीजें ही काफी हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाए बंदा तो ये तीन चीजें काफी हैं, अगर वो हकीकत देख ले इसमें मुकम्मल तौर पे निकल जाएगा। आदम सर है क्या? जी है आदम साहब है। थैंक यू सर, बहुत इंफॉर्मेशन देते हो आप, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। थैंक यू साहिल, थैंक यू बानो जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी एक न्यूज आपको दे दूं तो मैं आपके ही एरिया की हूँ। मेरे एरिया की? अच्छा, लेकिन एकदम ज्यादा डिटेल में मत बताओ ना, तो घर पे पहुंच जाएंगे आपके। नहीं, 17 आपके साथ में प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मैं आपका शॉप भी ढूंढने को लिए निकली थी, आप कहां मुझे मिलेंगे करके। वाह भाई वाह, लेकिन आप मुझे मिले नहीं,
फिर बाद में मत पता चला कि वो जो लाइन था उधर तो दुकान फिर तो बंद हो गई, तो फिर दूसरे लोग आ गए। मैंने हाँ। आपको खोजने की भी बहुत कोशिश की। वाह भाई वाह, क्या बात है, मुंबई 17 वाह। तो दीदी इस तरीके से आप इस बंदे की तरह तो नहीं निकली थी ना? नहीं नहीं भाई, वो सब जल्लाद लोग हैं, इनसे क्या आए, मुझे आए, तो इन लोग की बातें भी पसंद नहीं है। जो अपनी बात पे एकदम अकड़ के रहते हैं वो बात तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इंसान को नरमी सामने वाले को भी जानना। ऐसे बंदे भी ना खोजने के लिए ही निकलते हैं, हम लोगों को खोजने के लिए ऐसे बंदे हर गली में टहल रहे हैं। अच्छा थैंक यू सो मच बानो जी, कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप भी 17 वाली है और 17 वाले अपन बहुत खतरे वाले रहते, मौत डाल देते। मुझे भी तो, मिलना है जी, टेंशन की बात नहीं है, कभी ना कभी तो मुलाकात जरूर होगी जब उस तरीके का माहौल हम बना देंगे 17 में, और माहौल बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच बानो जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सबके लिए, थैंक यू बिल्कुल।